सो सत श्री अकाल गाइज, किद्दां सारे जाने। आई होप सो तुसीं सारे वधिया होवोगे, ठीक ठाक होवोगे। सो लैके आया मित्रों अज एक होर नवीं वीडियो, जिहदे अंदर मैं तुहानूं दस्सूंगा कि जिहड़ा अपना रैक्स एंड राउंड्स गाना आ वो किद्दां मैं रीमेक कीता, किद्दां तुसीं उहनूं रीमेक कर सकदे हो। सो इहदी फ्री FLP देवांगे आपां 200 लाइक्स ते, ठीक है जी। सो चैनल नूं सबसक्राइब, लाइक, शेयर कर दिओ वीडियो नूं ते आपां शुरू करते हैं। उस तो पहला तुहानूं माड़ा माड़ा कितें कितें दिखा दा भी इंस्ट्रूमेंटल कितना साउंड करता है। जे वधिया लगा तो वीडियो अगे देख लिओ, जे नहीं वधिया लगा तो इत्थे छड़ दिओ, ठीक है जी। सो आओ सुनते हैं। ये अपना कोरस तो आ इंट्रो, ठीक है जी। सो हुण आपां वधदे हां अपने एक एक एलीमेंट स्टडी करने वाले। सब तो पहला आप देखते हैं अपनी मैलोडी। इस ज्यादा कुछ यूज नहीं होया, सिर्फ एक सितार एंड स्ट्रिंग्स वजिया हुई ने, दो चार इफेक्ट ने, थोड़े बहुते ओल्ड स्कूल टाइप ड्रम ने। सो आओ जी सब तो पहला सितार सुनते हैं। एंड हुण गाइज आप सुनते हैं अपनी जिहड़ी आ स्ट्रिंग्स। एदा एक वेरिएशन इधर भी आ पिछे, वो भी सुन लो। ठीक है गाइज, ते हुण थल्ले मैं तुहानू दिखा दा जिहड़ी अपनी सितार आ, इहदी की कहंदे हुंदे आ इहनू यार, मिडी पैटर्न। हाँ मिडी पैटर्न दिखा दा तुहानू, आ देख लो जी, आ सारे नोट्स लगे सी सितार दे अंदर, ठीक है जी। सो हुण आपां सुणदे आ अपनी कंप्लीट मैलोडी। कंप्लीट तां की बस दो एलीमेंट ने, उही सुणदे आ। ठीक है जी। सो वीडियो पूरी देखते रहो गाइज, अगे मैं इहदियां जिद्दां मतलब थोड़े बहुते एलीमेंट अरेंज कीते आ, उहदियां टिप्स ट्रिक्स भी दूंगा कि आपां जिहड़ी प्रोसैसिंग आ ओह भी किद्दां कीती आ। सो वीडियो मेरे वीर पूरी देखते रहो। उस तो बाद आउंदे अपने ड्रम्स। सब तो पहला किक, ठीक है जी। उस तो बाद आउंदी अपनी स्नेयर एंड हैट। ये तुसी इत्थे देख लो, ये सारे मैं स्टॉक के सैंपल नहीं ले हैगे, ये कुछ विचों बाहरों भी ले आ, कुछ स्टॉक ते भी आ। सो ये स्नेयर्स इत्थे दो लेयर कीतियां ने मित्रों, तुसी सुन लो। एक स्नेयर हैगी आ वाली, एक स्नेयर हैगी आ वाली। सो दोनों इकट्ठियां किद्दां साउंड करदियां ने, पहली टिप लेयरिंग जरूर करया करो हरेक एलीमेंट दी। जे तुहानूं वो वीक साउंड करता है, ठीक है जी, वीक लगदा तां ओहदी लेयरिंग जरूर करया करो। उस तो बाद आउंदी अपनी बेस। बेस आपां कित्थों बनाई आ, हाँ जी सिट्रस ते गए, सिट्रस स्टॉक दा प्रीसेट आ, ओहदे अंदर सब बेस आ पई आ इत्थे, इहनूं सिलेक्ट कीता एंड आपां अपनी मिडी लाती। मिडी मैं दिखा दिंदा। ठीक है गाइज। सो ये आपां इहदे च जिहड़ा पैटर्न आ वो लाया सीगा गाने दा 88 BPM ओहदे हिसाब नाल। सो हुण तुसी ड्रम्स एंड बेस इकट्ठियां सुन लो। सो बेसिकली ड्रम्स दे उत्ते प्रोसैसिंग की कीती होई आ मैं। सब तो पहलां तुहानूं किक दी प्रोसैसिंग दसदा। किक दे उत्ते बेसिकली एक EQ लाया आपां कि जिहड़ी इधरों बेस वाली फ्रीकुएंसी सी वो कटती सारी कि उत्थे बेस ली जगह बन जे, तो इधर जिहड़ी किक दी फ्रीकुएंसी सी वो रख ली, ठीक है जी। उस तो थल्ले एक लाया साउंड गोदाइजर, थोड़ा जा किक नूं पंच देण दे लई अते शाइन देण दे लई। तुसीं इफेक्ट्स ते बिना ਤੇ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਫੈਕਟਸ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ पंच आ गया और थोड़ा निखर गया, थोड़ा बाहर आ गया। ठीक है जी। उस तो बाद जी अपनी स्नेयर आ, दोनों स्नेयर के उत्ते थोड़ा जहा इतने इक्विंग की आ, ये उत्ते कुछ नहीं किया मैं, तो इधर आ वाली बस के अंदर इन्हों के उत्ते रिवर्ब लाई है क्योंकि ये ड्राई लगदियाँ सीगियां। सो रिवर्ब तो बिना सुन लो जी। हुण रिवर्ब के नाल सुन लो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ पता कि गाने ਵਿੱਚ ज़्यादा एलीमेंट नहीं यूज होए तो इदा ही करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ स्पेस ਆ फिल करनी पैनी है। ठीक है जी। उस तो बाद ਆਉਂਦੀ ਆ अपनी हैट, ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ नॉर्मल, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ थोड़ी जी ਇਕੁਇੰਗ ਕੀਤੀ, इधर थोड़े जे लो कट्टे, थोड़ा जहा हाई ਵਧਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਵ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। सो बेसिकली इधर आ हैट आए दे उत्ते कोई प्रोसैसिंग नहीं लगी हुई, जड़ी अपनी ओपन हाई हैट होंदी है। उस तो बाद सब बेस आ, उहदे उत्ते भी कोई प्रोसैसिंग नहीं, जस्ट एक किक दे अंदर इधर तार पा के लिमिटर ला के साइड चेनिंग कीती हुई है। ठीक है जी, ताकि जड़ी अपनी बेस आ किक दे नाल क्लैश ना होवे। उस तो बाद आउंदी आ अपनी स्नेयर, सॉरी स्नेयर कह गया मैं, क्रैश। ये सुन लो, हुण सुनो जी। उस तो पहला आउंदे आ दो स्क्रैच इफेक्ट। सो बेसिकली ये मैं कित्थों लए आ, मैं काफ़ी बार दसदा हुन्ना। पैक्स ये अंदर गए आपां लैगेसी, एफ एक्स आ पे। सो इदां साउंड करदे आ, इहदे उत्ते मैं इफेक्ट लाए हुए आ तां करके ये इदां दे साउंड करदे आ। इत्थे तुहानूं मैं सुणा दिन्ना, आ देखो जी, आ सारा EQ लाया, इधरों मैक्सीमस ला के ये लो कट्टे होए बिल्कुल ही, जे मैं वधा दां इदां दा साउंड करता जी। मैनूं लो नहीं सी चाहिए तां मैं बिल्कुल ही घटाते। ठीक है जी। उस तो बाद थल्ले वोकल चैंट, ये भी सुन लो। ठीक है जी। सो बेसिकली इन्ना कुछ सीगा क्रॉस सैक्शन दे विच, एक बार दुबारा सुन लो। ठीक है जी। सो हुण आपां स्ट्रिंग्स दे उत्ते की इफेक्ट लाए आ, कुछ नहीं ज़्यादा कुछ लाया नीगा, थोड़ी जी इक्विंग कीती आ उहनूं शेप देण दे लई। उस तो बाद साउंड गोदाइजर उहदे विच थोड़ा जी शाइनिंग देण दे लई। ठीक है जी, थोड़ी वार्मथ देण दे लई। उस तो बाद फ्रूटी लिमिटर, उहनूं जिहड़ा अपना गाना उहदे नाल मिलाउण दे लई। ठीक है जी। उस तो बाद आउंदियां अपनी सितार। सितार की कोई प्रोसैसिंग नहीं है, इनू बेसिकली मैं स्ट्रिंग्स वाले चैनल के अंदरों ही कढ़िया होया आ। तुसीं तार देख रहे हो थल्ले, ताकि जिहड़ी स्ट्रिंग्स दे नाल ही मैच होके उहदे विचों ही प्रोसैस होके मास्टर चैनल दे विच जावे तां एक सैंपल जिहा बन जाए। ठीक है जी। सो बेसिकली किड होना ने तां सैंपल यूज़ कीता सीगा, अपने कोल सैंपल अवेलेबल नहीं सी तां करके आपां उही मिडिल आई आ। सो सेम तां बिल्कुल साउंड नहीं करूगा, तां भी थोड़ी जी उहदे वर्गी साउंड बन गई आ। तुसीं इंस्ट्रूमेंटल सुन लो। सो ठीक है गाइज, इतनी सी वीडियो। जे किसी ने वीडियो वधिया लगी है, कुछ सीखने को मिले तो लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो अपने चैनल को। जे किसी ने कोई क्वेरी है, मैं इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकता है। जे किसी ने किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो भी पूछ सकता, मैं इंस्टाग्राम पर डीएम करके, आई डी मेरी थले मैनशन होगी। ठीक है जी। सो मेरे चैनल को कर दो सबसक्राइब। इदां दी वीडियोज़ दो या तीन दिन बाद देखने के लिए मैं 2 या 3 दिन बाद अपलोड कर देना हूँ। जिन्हें कोई गाना वाणा बनवाना, मैनू मेरे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है जी, चैनल के अबाउट च दिता होया। सो उदों लई आपां मिलदे हां किसी होर वीडियो दे विच। टाटा, बाय बाय।